हाँ भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है बेटे, और इसका थोड़ा सा आइडिया मैंने कल आपको दिया था, अभी फिर दोबारा से देखते हैं और फिर इसको करना शुरू करते हैं। प्लीज इधर देखिए, हमारे पास क्या है बेटे, ये ट्रायंगल है ABC, और ये ट्रायंगल है बच्चे DEF। 4 बजे एक दूसरा बैच चल रहा है और उसमें मेरी अल्टरनेट डेज में क्लासेस होती हैं, मतलब आज मैं ले रहा हूँ तो कल मेरा मैथ्स है, उसमें चैप्टर 2 चल रहा है, जिस बच्चे का भी मिसिंग है उसमें क्लास कर सकता है। 4 to 5, 3 डेज यस सर, मैथ्स हो रहा है, थ्री मेरा डेज मैथ्स साइंस हो रहा है। तो अभी मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट ही किया, जस्ट उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी है, तो आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। यस, अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल नॉट DEF, इट इज PQR। PQR आपसे क्या कह रहा है बेटे, जैसे जैसे गिवन है मैं वैसे वैसे लिखूंगा। आपसे कह रहा है साइड AB विद साइड PQ, मेंशन भी कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में 12 में BCQR के साथ दिया था ना, बट BC नहीं है, AC है, परपोर्शनल विद PR। एंड मीडियन AD, मीडियन ऑफ थर्ड साइड, PM। दीज आर परपोर्शनल, दीज 3 साइड्स, 2 साइड्स एंड 1 मीडियन आर परपोर्शनल, ये गिवन है। और आपसे कह रहा है शो करिए टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR। हाँ भाई, यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना, जी सर, इवन यस मैंने इससे सर, आगे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था बेटे। जी सर, मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा फिर आइडिया दे दूं कि भाई हमारे पास ये 2 साइड्स तो प्रोपोर्शनल गिवन ही है ऑलरेडी। अगर हम किसी भी तरीके से एंगल ए को इक्वल ले आए पी के, सर या वो तो मैं है इक्वल है, कैसे इक्वल है बेटे, हाउ यू कैन से दे आर इक्वल, अभी गिवन नहीं है बेटे। मैं लिख रहा हूं आप सब बच्चों के लिए कि बेटे अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि AB अपॉन PQ AC अपॉन PR गिवन, और मैं ऐसे लिख दूं बेटे एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR, कैसे अभी मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। किसी भी तरीके से मैं लिख दूं कि AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू QPR, अगर किसी तरह से लिख दूं तो क्या ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। यस सर, तो यस सर, ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, यस और नो, तो यस सर, हमारे यस सर, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। हमें जो दिया है ना बेटे, हमें जो दिया है कि भाई AB अपॉन PQ पहले से दे दिया और AC अपॉन PR गिवन है, और मैं कह रहा हूँ किसी तरीके से एनी हाउ अगर मैं कर लूं कि BAC हो जाए PQR के इक्वल, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे। तो इतना सा ही करना है, तो मेन पार्ट जो है वो ये है कि कहीं से ये BAC और QPR के इक्वल आ जाए। हाँ भाई सलमान, यही है ना शफी, भाई जी सर, होता क्या है कि भाई BMW लेनी है तो BMW लेने तो बहुत आसान, लाओ 60 लाख रुपए है जी सर, भाई। भाई ट्राइंगल सिमिलर करने बहुत आसान, ये एंगल लिया हो भाई कहीं से, तो मेन पार्ट क्या है हमारा, 60 लाख रुपए लाने हैं जी। तो
तो ये BAC equals to QPR लाना है कहीं से ढूंढ डांट के। चलो भाई इसे ढूंढते हैं। अब ढूंढने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां लेके आओ सर मीडियन जो हमारे पास है। अब सब बच्चे आओ थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले रफ करेंगे बेटे, स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे। सब बच्चे प्लीज थोड़ा सा फोकस करेंगे फिगर पे। अभी फिलहाल जो है ये हम ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। हमारे पास बेटे ये AD है और AD हमें मीडियन दिया हुआ, ये हमने पिछली बार भी नहीं लिखा था, आज भी नहीं लिखा। लिख लेते हैं AD एंड PM आर मीडियंस। अब मैं आपसे कह दूंगा तो आप फिर खुश भी हो जाओगे और फिर गलती भी करोगे। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर द एग्जामिनेशन, आज तक की हिस्ट्री में एग्जाम में नहीं आया है। बट दिस क्वेश्चन फॉर जिसे कहना चाहिए नॉलेज प्रैक्टिस, कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, तो ये एक अच्छी आपको नॉलेज देता है। तो ये हमारे पास है AD और PM मीडियंस। हम क्या कर रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, हम AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखते जाइए, पहले रफ करेंगे अभी कुछ लिखेंगे नहीं। AD को बेटे हमने प्रोड्यूस किया, और कितना प्रोड्यूस किया बेटे, AD इक्वल्स टू DE। अगर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 कर दिया, 10 कर दिया डबल, तो AD इक्वल्स टू DE हमने कर दिया। और हमने क्या किया बेटे, EC को ज्वाइन कर दिया। EC को क्या कर दिया बेटे, फोकस कर रहे हैं सब बच्चे? यस सर। गुड, सेम बेटे आप करिए PMR में, PM को प्रोड्यूस करिए बेटे, ठीक है, PS और SR को ज्वाइन कर दीजिए बेटे। अब सब बच्चे फोकस करिए, मैं आपसे कह रहा हूं ये इस वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर रहा हूं। अब आप सब बच्चे प्लीज फोकस करिए सिर्फ इस ट्रायंगल पे, ये जो हमारा ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गया। एक्चुअली क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस का क्या फायदा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर इससे हमें मिलेगा क्या, जिंदगी में क्या करेंगे? नॉलेज, दैट इज नॉलेज प्रैक्टिस फ्रॉम वन जिसे कहना चाहिए कॉन्सेप्ट, वी कैन ड्राइव सो मेनी सॉल्यूशंस। एक्चुअली आपको छोटी सी चीज सिखा दी कि भाई अगर हमारा जो जैसा आप कहते हो कि भाई फ्लोटिंग आर्क, अगर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि कोई चीज तैरती रहती है अगर अपने इक्वल वॉल्यूम को रिप्लेस करे वाटर को, ऐसा ही है ना कुछ? सर यही है। ठीक है, तो वो आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल मिला, उस प्रिंसिपल से आपने शिप बना दी, बोट्स बना दी। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या आइडियाज उसमें इन्वॉल्व करते हो। आपको छोटी सी चीज एक सर्जरी सिखा दी जाएगी, लेकिन सर्जरी तो फिर आपको करनी है ना, अगर आप सर्जन हो जाते हैं आपको इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे, कुछ लॉ सिखा, बट आपको प्लेन्स बनाने, एरोप्लेन्स आपको बनानी है, मशीनरी आपको बनानी है, रोबोट आपको बनानी है, तो फिर आपको वो चीजें अप्लाई करनी आनी है कि अच्छा मैं इसके साथ ये मिलाऊं, उसके साथ वो मिलाऊं, इसको यहाँ करूं या यहाँ करूं, तो एक नई चीज बनेगी। दैट इज, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन गिव अस दैट टाइप ऑफ फील, अच्छा इन को मिला के हम ऐसे भी कर सकते थे, गुड वेरी नाइस। तो वो एक चीज आपको एक आइडिया देता है, अच्छा ऐसे ऐसे। तो जब तो कभी कभी किसी चीज को डिस्कवरी करने में 10 साल 20 साल 50 साल लगते हैं, तभी तो आइडियाज आने में, चीजें आने में टाइम लगता है। तो वो चीज आप सीख रहे हो बेटे। चलो देखो, अब जरा फोकस करो इस पीले वाले ट्रायंगल पे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सबसे पहले तो मैं फिर दोबारा से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको फिर रिमूव ही कर देता हूं। अभी मैं बेटे प्लीज ध्यान से देखो, अभी मैं इसको कर रहा हूं, वन बाय वन करते हैं, और मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब ये वाला देखो, अब आप पहले सिर्फ पहली वाली फिगर में चेक करो बेटे, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल, और जब हम एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो यहाँ मुझे टाइम नहीं चाहिए कि मेरा 3 मिनट 4 मिनट में चाहिए, यहाँ चाहे मुझे 10 मिनट लग रहे हो, 1 घंटा लग रहा हो, बट ये क्वेश्चन मुझे हमेशा जिंदगी भर के लिए दिमाग में फीड हो रहा है, तब मजा आता है। अब सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करिए जो मैंने येल्लो किए हैं, ये हमारे पास था शायद सी, तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EDC, क्या मैं ये कॉन्गुरेंट कर सकता हूं? मेरी बात सुन लीजिए, क्या मैं ये कॉन्गुरेंट कर सकता हूं? कॉन्गुरेंट के लिए नाइन्थ में हमें 3 पार्ट्स इक्वल करने होते थे,
कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? क्या आप यहाँ ये कह सकते हो कि दिस इक्वल्स टू दिस? यस सर. व्हाई? वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अच्छा, बीसी पे डी क्या है? वर्टिकली. जी शाबाश बेटे, वर्टिकली. बीसी, जरा बीसी को देखो, डी क्या है बेटे? यहाँ पे मिड पॉइंट है. अगर डी मिड पॉइंट है बेटे, तो क्या बी डी और सी डी इक्वल होंगे? वेरी नाइस. कंस्ट्रक्शन क्या किया था बेटे हमने? ए डी किसके इक्वल लिया था? ए डी किसके इक्वल लिया था? ई के. बाय कंस्ट्रक्शन है ना, तो साइड एंगल साइड से क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? यस सर. नो. ध्यान से देख लीजिए, बी डी इक्वल टू सी डी, ए डी दिस साइड ए डी इक्वल टू दिस साइड डी, एंड दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो क्या आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ए बी को, ए बी को सीई कह सकते हो या नहीं? अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. लिख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लिख लेते हैं. हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्या कंस्ट्रक्शन करा बताओ? कंस्ट्रक्शन हमने किया ड्रॉ या प्रोड्यूस ए डी टू ई. ए डी इज इक्वल टू डी एंड जॉइन ई सी, ये हमने किया था. और इसी तरह से हमने प्रोड्यूस क्या किया था दूसरे वाले ट्राइंगल में? प्रोड्यूस पी एम टू एस, पी एम इज इक्वल्स टू एम एस एंड जॉइन एस आर. यस और नो? ये किया था ना हमने. अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बेटे इन ट्राइंगल, ये हमारा प्रूफ शुरू हुआ है यहां से, इन ट्राइंगल ए बी डी, येलो वाला ट्राइंगल पे फोकस करिए, एंड ट्राइंगल सी ई डी, हमारे पास क्या है? हम इसको कह रहे हैं एंगल वन, इसको कह रहे हैं टू. एंगल वन इक्वल्स टू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. हम कह रहे हैं बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, डी इज मिड पॉइंट. और हम कह रहे हैं ए डी इज इक्वल्स टू डी. रीजन बाय कंस्ट्रक्शन. नहीं बेटे, बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ए बी डी इक्वल, ए डी इज इक्वल टू डी. तो अब हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए. कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ए बी डी सी ई सी डी कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड से. तो आप क्या कहोगे? ध्यान से देख लीजिए, आप कहोगे ए बी इज इक्वल्स टू सी ई बाई सी पी सी टी. इतना ही करना था, बाकी आगे तो सिमिलरली लिखना है बस. यहाँ तक बताओ सब बच्चों को समझ में आया क्या? यस सर. अब अगर प्लीज आपको अगर आपको ये समझ में आ गया, तो क्या बेटे सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे? यस सर. भाई हम क्या करेंगे, ये एंगल बेटे इसके इक्वल है, एम यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, क्यू एम एम आर के इक्वल होगा, और पी एम जो है मैंने अपने आप कंस्ट्रक्शन से एम एस के इक्वल लिया है, तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. यस और नो? यस सर. तो पी क्यू, तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? पी क्यू, ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस. आर एस, वेरी गुड. तो यहाँ लिख दो बेटे बस, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस. सिमिलरली यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर. अब सिर्फ इसी को देखो और कहानी खत्म. अब हम वहां से उठाओ, गिवन क्या है हमारे पास?
एक स्टेप तो ये हो गया बेटे, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, एक स्टेप तो ये वाला पार्ट हो गया। मैं इसको बॉक्स में बना रहा हूँ, आप इसी तरह से मेंशन करोगे इसको, ये बॉक्स हो गया। तो पहला पार्ट था कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ए बी को सी के इक्वल लाना है और पी क्यू को आर एस के इक्वल। अब जरा गिवन देखो बेटे, हमारे पास क्या है, रेशो। रेशो क्या दिया है बेटे, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है ना बेटे? यस सर। अब जरा मुझे बताओ मैं ए बी को किससे रिप्लेस करूं बेटे, ए बी को किससे रिप्लेस करूं और पी क्यू को बेटे? रखिए यहाँ है बेटे, देखो ए बी, ये है ए बी और ये है पी क्यू, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो जरा चेंज करो, तो सी ई अपॉन आर एस, ए सी अपॉन पी आर। ध्यान से देखो जरा, हमने ए डी को प्रोड्यूस किया था तो मैं ए डी की जगह टू ए डी लिख रहा हूँ बेटे, और पी एम की जगह टू पी एम कर रहा हूँ। जरा फिगर देखो जरा ध्यान से, ऊपर ए डी का डबल क्या हो जाएगा, ए डी का डबल क्या हो जाएगा, 2AD नहीं 2AD तो हो जाएगा, हम उसे AE कह सकते हैं या नहीं कह सकते? AE हो जाएगा। शाबाश। और PM का डबल क्या हो जाएगा? PS। जो बच्चे खामोश हैं, बोर हो गए हैं, सोने लग रहे हैं, प्लीज जाग जाएं। सर आप ही नहीं पढ़ा लो बस, हम तो पढ़ते नहीं, तो मेहरबानी करके जाग जाएं वो भी। तो AD का डबल हो जाएगा AE और PM का डबल हो जाएगा PS। आइए शाबाश, तो हमारे पास आ गया सी ई अपॉन आर एस, ए सी अपॉन पी आर और ए डी का डबल हो गया ए ई और पी एम का डबल हो गया पी एस। यस सर नो? यस सर। जरा आइडेंटिफाई करिए सी ई और आर एस कहाँ हैं। सी ई, मैं अब इसको ब्लैक कर रहा हूँ, सी ई ये है हमारे पास, आर एस हमारे पास ये है, ए सी और पी आर कहाँ हैं, ए सी एंड पी आर और ए ई और पी एस, इन तीनों साइड्स का रेशो सेम है। ब्लैक ट्राइंगल नजर आए? यस सर। आपके पास क्या है, ए सी सी ई आर एस, ए सी पी आर, ए ई पी एस। अगर तीनों साइड्स का रेशो सेम है तो ये बड़े ट्राइंगल जो ब्लैक मैंने बनाए, ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर, इनका नाम क्या है? ट्राइंगल ए सी ई एंड पी आर एस। वेरी गुड, ए सी ई एंड पी आर एस, सिंपल। सो ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एस बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दिस एंगल थ्री इक्वल्स टू दिस एंगल फोर? यस और नो? इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन एंगल्स आर इक्वल, यस और नो? यस सर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, थ्री इक्वल्स टू फोर हो जाएगा। तो आप कहेंगे एंगल थ्री इक्वल्स टू फोर। अब मजेदार चीज सुनो ध्यान से, अगर मैंने ये सी ई को ज्वाइन ना किया होता, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, सी ई को ज्वाइन ना करके मैं इधर बी ई को ज्वाइन करता, इधर बी ई को और इधर मैं क्यू एस को ज्वाइन करता, तो क्या मैं ये सामने वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकता था? जी सर, कर सकते थे। अगर मैं कर सकता था तो क्या इधर वाला ट्राइंगल ए बी ई सेम प्रोसेस कॉन्ग्रुएंट करता, ए सी को बी ई के इक्वल करता, इधर वाले ट्राइंगल्स को भी मैं सिमिलर करता? यस सर। यस सर। क्या इसको भी सिमिलर करता? तो क्या मैं इधर वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल और ये पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, क्या मैं इनको सिमिलर कर सकता था? सिमिलरली कह के? यस सर। अगर मैं सिमिलरली कह के इन ट्राइंगल्स को सिमिलरली कर सकता था तो
तो फिर क्या मैं इधर वाला एंगल, प्लीज ध्यान से देख लो, ये एंगल 5 इक्वल्स टू 6 कह सकता हूं क्या? यस सर। एंगल 5 इक्वल्स टू 6 सिमिलरली, यस और नो? सेम प्रोसेस जो मैंने इधर किया है वो मैं इधर भी कर सकता था, तो ये मैं इधर ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, जस्ट टू शो, ये तो मैंने ऐसे ही किया था, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे पास, तो हम कह सकते हैं सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू 6। यस सर। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर हम 3 और 5 को ऐड कर दें तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए पी। और 6 और 4 को कर दें तो एंगल पी। 6 प्लस 4 मिलके पी बनेगा और 3 और 5 मिलके ए बनेगा, तो ऐड कर दो इन दोनों को। ये अगर हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 6। 3 प्लस 5 हो जाएगा BAC और ये हमारे पास हो जाएगा QPR। सब बच्चे बताओ, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत या नहीं? यस सर, समझ आया। सर एक क्वेश्चन है, कितने नंबर का? ये कितने भी नंबर का नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है सर? BAC नहीं आएगा। BAC इज इक्वल टू QPR और ये हमने मान लिया थर्ड, तो सर ये हमारे आ गए 60 लाख रुपीज हमारे अकाउंट में। कितने? 60 लाख। और इसे जाके वहां BMW के शोरूम पे दिया हो कि भाई मेरे अकाउंट में से ले लो फ्रॉम थर्ड। समझ में आ गया क्या? सर गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिल गई जी, मुबारक हो। यस सर। कौन सा कलर चाहिए भाई? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आधे तो आधे तो सो गए, नहीं को सर बस आप ही पढ़ लो, आपने तो पहले कह दिया एग्जाम के लिए नहीं है, सर बस आप ही कर लो जो कुछ करना है। हाँ भाई बताओ तो सही, जाग रहे हो सो रहे हो? जाग रहे हैं सर। जाग रहे हैं सर। माशाल्लाह, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? यस सर। गुड सर, वेरी गुड। तो ये बेटे आपका क्वेश्चन था जो टोटली डिफरेंट था, दूसरे तरीके से इसको करना था। तो ये होते हैं देखो मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्वेश्चन ड्राइव किया होगा, जिन्होंने सॉल्यूशन को ड्राइव किया होगा, कैसे कैसे उन्होंने आइडिया लगाया होगा, कैसे कैसे सोचा होगा, तो ये हमें चीजें सिखाता है कि अच्छा हम इस तरह से भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, तो ये चीजें होती हैं। चलो अब बस मैं एक छोटी सी चीज आपको पढ़ा रहा हूँ उसे देखो आप। गुड, ऑल द बेस्ट। अरे